शिव 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 सदा शिव सर्वत्र शिव निर्गुण निराकार ओंकार प्रकाशकार प्रकाशाकार सर्वत्रम सर्वत्रम शिव 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 हे परमेश्वर परमात्मा सत्यम धम्मम दर्शनम सत्यम धम्मम विजयम सत्यम धम्मम दर्शनम। यह जो बांसुरी, यह केवल बांसुरी संगीत के लिए बांसुरी नहीं है, यह उस परम पिता परमेश्वर या कृष्ण के द्वारा संगीत के लिए उपयोग करा गया। और इस कलिकल काल में यह वह परमपिता परमेश्वर जगन्नाथ नाथों के नाथ प्रभु का तलवार है। यह वह रक्त की गंगा बहाने वाला तलवार है। यह वह 12 हाथ का तलवार है। इसकी ध्वनि उस तलवार से भेदन करती है, उन दुष्टों का मरेच्छों का सर्वनाश करती है। वही बांसुरी है। और यह शुभ शुभ भोला शुभ भोर में प्रकृति में जिस तरीके से आज शोषण करा है प्रकृति का, और इन दुष्ट मलेच्छों को पता नहीं कि इन्होंने परमात्मा का शोषण कर दिया। क्योंकि प्रकृति ही परमात्मा है, प्रकृति ही सत्य है, और प्रकृति में ही वह परमेश्वर परम ब्रह्म सत्य निर्गुण निराकार अणाकार वहाँ विराजमान करता है। प्रकृति में ही है, वह प्रकृति में ही वह विद्यमान है, और प्रकृति के सिवा अन्यत्र कहीं नहीं है। और वह प्रकृति पूरा ब्रह्मांड समस्त आकाश गंगा शूद्र ग्रह तारामंडल आपके नौ ग्रहों ग्रह ग्रह नक्षत्र आपके पूरे सर्वत्र जो परिवेश जिससे आप घिरे हो, या आसमान या वायु या पंचभूत अग्नि धरती जल पूरा सर्वत्र प्रकृति है ना। और इस प्रकृति इसी प्रकृति में समस्त जीव जंतुओं में पशु पक्षियों में मूक जीवों में कीट पतंगों में सब में परमात्मा है। परंतु एक व्यक्ति एक स्थिति एक समयानुकूल वह उस स्थिति में अपने समय के अनुरूप वह उन बंधनों से अपने कार्य से कर्तव्यों से वह आबद्ध है। वह अपने कर्तव्य करण कर्म करण क्रिया करण से वह आबद्ध है, उस अनुरूप उसे क्रिया कर्म करना है। लेकिन वक्त वक्त पे छड़े छड़े वह उस परमात्मा का उस परम अभीष्ट परम आशीष परम सर्वत्र का निर्गुण अड़ाकार परम ब्रह्म का नाथों के नाथ जगन्नाथ का और देवों को देव महादेव का उस समय उस वक्त उस अवधि उसे परम निर्देश कुछ पल के लिए कुछ क्षण के लिए निर्देशित होता है। और वह वही क्षण वही पल उसी क्षण में वह उस परमात्मा के परम कर्तव्य बताए मार्ग अनुरूप वह उस क्षण वह उस कृत्य को कर फिर वह क्षण भंगुर अपने 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 धर्म क्रियाकरण कर्मकरण भोगकरण तपकरण तो इस करण में फिर वह पुनः आगमन हो जाता है प्रगमन हो जाता है। लेकिन आप जो इस भोर बेला में आप जो मेरे प्रिय धार्मिक जन हैं जो सत्यवचनी हैं सदा उस परम परमेश्वर के चरण आशीष बिंदों में जाने वाले हैं आनंद सतयुग को कोटि को प्रवेशित होने वाले हैं आप सभी को एक परम वाणी। आप इस प्रकृति को ही परमात्मा के रूप में देखिए, यही इसी को उस निर्गुण निराकार को इस हर कण कण जर्रे जर्रे में सगुण साकार रूप में देखिए। और कभी भी अन्यत्रों का कभी भी उन जनजातियों का कभी भी उस स्थानीय रहवासियों का कभी भी उन गरीब तफे के और कभी भी उस परमात्मा के भक्तजनों का आप शोषण ना करें। आप उनका
विद्वेष ना करें, उनसे तृष्णा ना करें, घृणा ना करें, उनसे क्रोध ना करें, और उनके हक के जो परमेश्वर जो परमात्मा ने उनको आजीविका रहवास हक संसाधन भूमि जो भी खनिज संपदा जो उनको परमात्मा ने प्रदाय किया है, जो उनके पैरों नीचे खनिज से लेकर आसमान के नीचे और उसके परिवेश में शुद्ध प्रकृति से भर दिया है, जीव जंतुओं से भर दिया है, उसका आप कभी भी दोहन ना करें, कभी भी शोषण ना करें। उनके अनुरूप आपने जो राजनीतिक व्यवस्था बनाई, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई, जो न्यायिक व्यवस्था प्रणाली बनाई और जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, आपने उस अनुरूप चलाने के लिए उस परमात्मा का मार्ग ना अवरुद्ध हो, इसके लिए आपने व्यवस्था बनाई। और आपके जो राष्ट्रवादी आंदोलन में जो आपके राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, उन्होंने आपके आपको वर्षों से जो आपको गुलाम बनाकर, जो उपनिवेशवाद बनाकर, जो कॉलोनियलिज्म माइंडसेट से आपका शोषण हो रहा था, आपको किस तरीके से प्रताड़ित विद्वेषित करा जा रहा था, वाइट मैन बर्डन से आपको गोरे लोग श्रेष्ठता और आप जो इंडियंस हैं जो ब्लैक हैं इनको आप तुच्छ हो ये बताकर, आप मंदबुद्धि हो अज्ञानी ये बताकर आप पे राज करा, शोषण करा। लेकिन आज वो चले गए, आपको मुक्ति मिला है आपके उस फ्रीडम फाइटर स्वतंत्र सेनानियों जिसने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर एक गुरुदेव पंडित महात्मा गांधी और किसी ने क्रांति और मसाल उठाकर सुभाष चंद्र बोस, तो किसी ने क्रांति की परिभाषा देकर मानवेंद्र राव, तो किसी ने सदा धर्म आध्यात्मिकता की ज्ञान देकर स्वामी परमहंस महाराज, स्वामी विवेकानंद महाराज, तो किसी ने अन्य तरीके से क्रांतिकारी युवा पीढ़ी से भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद राजगुरु, तो ये सारे चीज़ें हैं, अनगिनत कितने ना जाने कितने हैं। तो किसी ने समाजवादी क्रांति लाकर जे पी नारायण जैसे ये आंदोलन लाकर ऐसा आपको एक स्वच्छ प्रकाश, स्वच्छ आकाश, स्वच्छ पृथ्वी, स्वच्छ धारा दिया। लेकिन आप उस प्रशासन व्यवस्था में आकर उस पद प्रतिष्ठा को पाकर पुनः उन लोगों का, उन जो जनजाति समुदाय जिसके लिए, जी कृषक वर्गों जो मजदूर वर्गों के लिए लड़कर उस गांधी ने जो आज़ादी ली, फिर आप उनसे ज़्यादा शोषणकारी हो गए, आप ज़्यादा विक्टिमाइज करने वाले, पीड़क देने वाले पीड़ितकारी बन गए, और आप उन बेचारों का, उन गरीब जनों का, उन जनजाति जनों का इस तरीके से आप दुर्व्यवहार कर शोषण कर रहे हैं सदा के लिए, सर्वथा के लिए। तो क्या आपके पापों का, आपके भ्रष्टाचारों का, आपके इस घृणित व्यवहारों का, आपके शोषणकारी प्रकृति और प्रकृति के जो सर्वोत्तम प्रथम अधिकारी है वह जनजाति समुदाय, वह जन समाज जो इस जंगल प्रकृति को अपना परमात्मा मानकर कड़ कड़ के पूजा करता है, एक लठ एक पत्थर की पूजा करता है, तिनके तिनके में शिव सदा शिव को देखता है, अपने कुल गुरु बूढ़ा देव को देखता है, अपने सर्वत्र माता कोस गाई को देखता है, बैकुंठ खमदाई बूढ़ी माई को देखता है, तो ये सारे उसको माता स्वरूप देखता है, वह माँ मूढ़खोरी को देखता है। तो ऐसे को आप माँ विरजा को, चंडी महाकाली को वह उस प्रकृति में ही पाता है। तो आप ऐसे प्रकृति के, ऐसे विनाशकारी, आप जिस तरीके से आपने एक फिल्म बनी सी ऋषभ शेट्टी की डायरेक्शन में और उसी के जो अभिनयकर्ता में के रूप में कांतारा एक पिक्चर आई थी जो साउथ इंडियन मूवी थी, जिसमें किस तरीके से बताया गया है कि एक जनजाति समुदाय का जो कुलदेवी, जो माता देवी, जो जंगल देवी होती है, और वह किस तरीके से राजा लेकर उसको अपनी माँ के रूप में लेकर समस्त राज को लेकर चलता है, और उसके बाद उस जो राजा के जो पीढ़ी आते हैं वह किस तरीके से उनका फिर पुनः शोषण करता है, उसके जन जंगल जमीन का शोषण, उसके भूमि का अधिकार छीन लेता है, उसके माँ को भी छीन लिया, उसकी माता को और उसके अधिकारों को भी छीनता है, तो किस तरीके से क्रांति होती है, और वह रंजिश अग्नि खूनी क्रांति होती है और पुनः उद्धार होता है, जिसका अगले भाग भी कांतारा दूसरे भाग के रूप में हाल ही के कुछ वर्षों में शायद मूवी आने वाली है और निश्चित ही आएगी। तो अब देखना, तो इन चीज़ों से आप सीख क्यों नहीं लेते हैं, आप खुद ऐसे फिल्में बनाते हैं, फिल्में को देखते हैं, तो वहाँ इतने तरीके से जो शोषणकारी प्रवृत्तियाँ हैं, जो घृणित मानसिकता के हैं, तो वह महाकृष्ण, वो सर्वथा सर्वत्र कृष्ण जगन्नाथ निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में अपना कर्म क्यों न करें, क्यों तुम्हें दंड न दे, क्यों तुम्हें दंड का भागी न बनाए, कि इन जीव जंतुओं का, इनका तुमने सर्वनाश करा है, इनके हक का, इनके वाणी का, इनके पानी का,
इनके ग्रहण करा है आपने और वह निराधिकार रूप से है, उसमें आपका कोई अधिकार नहीं बनता। आपको कोई शासन प्रशासन ने बजट मद व्यय दिया है कि उचित और सर्वोत्तम उसके उपयोग के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए, और वह अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख, जिस उपयोगितावाद को मानते हो आप, किससे प्रेरित होकर, कि जर्मी बेंथम से, कि क्या कहता था कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस के उपयोगितावाद क्या है, कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो इस फिलॉसफी पे आप मानते हो कि अधिक लोगों का अधिक सुख मिले, जिसमें आकर बाद में जो जेम्स लॉक और जेम्स स्टुअर्ट मिल, जेम्स स्टुअर्ट मिल ने सुधार करा कि ना केवल अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, जो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है उसमें गुणवत्तापूर्वक सुख हो। और उस लिबरलाइज उदारवाद की भावना से प्रेरित होकर आपकी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी, आपकी जो लोकतांत्रिक प्रणाली बनी है, और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप आप जो संचालन कर रहे हैं इस प्रकृति का, इस परिवेश का, इस प्रशासन का, तो उस प्रशासन में आपको वह ओहदा, वह पद, वह जिम्मेदारी मिला, उस राजनीतिक पद में आपको नेतृत्व करता, वो MLA बनाते हैं, मेंबर आपको पार्लियामेंट बनाते हैं, MP बनाते हैं, मेंबर आप लेजिस्लेटिव असेंबली, MP बनाते हैं, मेंबर आप पार्लियामेंट, आपको संसद सदस्य बनाया, विधायक बनाता है, तो आप क्यों उसके शोषण करते हैं, फिर पुनः उन्हीं का आपको प्रतिनिधित्वकर्ता बनकर, महामात्य बनकर, मंत्री बनकर, उन्हीं के लिए और उनके कर के पैसे का, उनके टैक्स के पैसे का उचित उपयोग और उचित कानूनन प्रयोग के लिए आप उस जगह में जाते हैं, उस पद में जाते हैं, तो बाद में क्यों आप उन्हीं के पैसे से, उन्हीं के अधिकारों से, उन्हीं से छीन कर, उन्हीं की रिश्तों से, उन्हीं मजदूरों से, उन्हीं जनजातियों से छीन कर, उन्हीं को महंगाई के इन मार में, चपेट में दे देते हो, स्वयं वातानुकूलित वाहनों में, वातानुकूलित घरों में रहते हो, और उनका हर एक चीज़ों को आप अपने एक पीढ़ी के लिए तो बनाते हैं और अगले 7 पीढ़ियों के लिए करोड़ों खरबों रुपया आप इकट्ठा कर लेते हो, वह उनके खून को चूस चूस कर, उनके पैसे को, तो ऐसा आप क्यों करते हो? क्या स्वविवेक से अध्ययन करिए, अपने हृदय में अपने हर कृत्य को टटोलिए, अपने बुद्धि से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से इन चीज़ों को जानने का प्रयास करिए कि आपने ऐसा क्यों किया, तो क्यों, अगर आपने ऐसा किया तो क्यों प्रकृति, क्यों परमात्मा, क्यों सदाशिव, क्यों सर्वत्र शिव, क्यों सगुण से निर्गुण से सरगुण साकार शिव क्यों आपको दंड न दे, क्यों वह रुद्र महादेव क्यों दंड का आपका भागी न बनाए, क्यों खंड खंड प्रलय, जगह जगह नाश, जगह जगह विध्वंस क्यों न फैलाए, इसके लिए सर्वत्र आप दोषी हो, परमात्मा दोषी नहीं है आपके कर्मों के लिए, केवल और केवल आप दोषी हो, क्योंकि आपने उन बेचारों का, उन अधिकारियों का, तो आपके शोषण के कारण वो बेचारे जब मृत्यु सैये में जा रहे हैं प्रकृति प्रकोप में, तो आप ये ना जाने कि उनको दूसरे जो वो गरीब तबका जो गर्मी में फुटपाथ में सो रहा है वो मर गया गर्मी से, कि वह गरीब तबका जो वनवासी है वह भूस्खलन से वह मर गया, बादल फटने से वह मर गया, बाढ़ से वो गरीब तबका का पूरा बस्ती ढह गई, तो आप ये देखते हैं, लेकिन आप ये ना विचार करें, आप यहाँ जी रहे हैं ना, आप नरक की ज़िंदगी जियेंगे, नरक के भोगेंगे और यहीं भोगेंगे, आपको तड़प तड़प के खून के आंसू रुला रुला के आपके हर एक तरीका से पीड़ित कर करके आपको मारा जाएगा, आपके परिवार को रोग नाश बीमारी से लेकर विभिन्न तरीके से, आप अब वो समय आ गया है कि आप पे तरह तरह के आपने जितने भ्रष्टाचार, जितने करप्शन, जितने शोषण, जितने दुष्ट प्रवृत्ति में करे हैं, जितने व्यभिचार करे हैं, जितने बलात्कार करे हैं, सबका सजा मिलेगा। और वह जो बह गए वह धार्मिक जन बनकर, सत्य दीक्षा पाकर, परम शिष्य बनकर, उस परमात्मा के अनुग्रह आशीष होकर अनंत सत्य में पुनः जवेराम लेने वाला है, और वह सदा के लिए, आज वह आज 60 साल की उम्र में, 50 साल, 35 साल की उम्र में, एक बच्चा 5 से 15 साल की उम्र में जो ख़त्म हो जा रहा है आप यह प्राकृतिक प्रकोप में, तो यह ना माने कि वो गरीब तुम्हारा सजा पाया, नहीं, उसको भगवान ने चुना है, परमात्मा ने अपने हृदय में बैठा लिया है, और को अनंत सतयुग में, जो अगले दशक में अनंत सतयुग प्रारंभ होगी, सब पुनः जन्म लेने वाले हैं, वही शासन करेंगे, वही सत्य का मार्ग को, सत्य धर्म को चलाने वाले, जिस जीव जंतु को आपने नष्ट करा वही परम भक्त, परम ज्ञानी, परम वाणी, परम धार्मिक जन बनकर इस सत्य धरा धरती पर पुनः उद्धार के लिए वही प्रवेश पाने वाले हैं, वही परमात्मा का सगुण सत्य रूप में, इस अहंकार रूप में, इस निरंकार रूप में, अरंकार रूप में, परमकार रूप में, यही पद परम वाणी है, परम वचन है कि वह परमात्मा ने उनको चुन लिया है, और इसलिए खंड प्रलय प्रकोप से आपके और दुष्ट खून उनको चूसने के लिए आपके पास नहीं छोड़ा, उसको परमात्मा ने अपने आशीष चरण बिंदों में ले लिया, और उसको पुनः इस धरती में अनंत सतयुग में वही नेतृत्व करता होंगे, तुम सारे सब दुष्ट मनुष्य लोग जो दंड के भागी होगे, या परमात्मा कह रहे हैं कि जो जितने कृष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, वहां गाली की योग है, पाप की योग है, भ्रष्ट है, ये
सर्वथा नष्ट होने वाले हैं। यह उस परमात्मा का परम वाणी, परम आशीष, परम वचन है। ये साले ये सब दुष्ट हैं, ये दुष्ट के पापी हैं, भोगी हैं। वह परमात्मा कह रहा है, यह कोई इसी तरीके से आपको दिया गया, यह एक मंद सूचक, जो पापी है, जो भागी है, वही इस गिल्ट अपराध के लिए भागी है, वही उसी को अपराध बोध होगा। और वह सर्वत्र नाश का भागी है। वह जितने भी इस संसार में पड़े हैं, उस दुष्टता के, उस दुष्टता के, उस सर्वत्र गंदे से गंदे, उस गाली और गंदे से गंदे कीड़े और खून चूसने वाले कीड़े के रूप का भागी है वो। और वह परमेश्वर, वो सदा परमेश्वर, उस परमात्मा का परम वाणी है। वह दुष्टों को नाश करने के लिए सदा सदा आपको पालने में नहीं झुलाएगा, परम वाणी अमृत वाणी ही नहीं सुनाएगा तो आप दुष्टों को, वह आपको दंड देगा, आपको प्रताड़ित भी करेगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, हर रूप से आपको गाली देगा, डांटेगा, मारेगा, आपको कोसेगा, ठूसेगा, और उसके बाद आपको घसीटते हुए आपके बालों से पकड़कर उस नरक लोक के गर्त में फेंक देगा। वही परमेश्वर है, आपको पालने में झुलाकर ज्ञान नहीं देगा वह हर हमेशा। आपको सहलाते हुए आप लूटते जाओ, शोषण करते जाओ, और वह नैतिकता का पालन नहीं करेगा, वह भी अनैतिक बनेगा आपको नष्ट करने के लिए। आप जिस तरीके से अमुक बधुक जानवर का बलि देते हो, जिस तरीके से आप बलि का प्रथा बना रहे, मानवों को बलि बना रहे हो, बलि के अपने चत्थे में चढ़ा रहे हो, उनका शोषण करके, तो परमेश्वर आपको क्या वह पालने में झुलाएगा, आपको रुई की हवा खिलाएगा? नहीं, वह आपको बलि में चढ़ाएगा, बलि संयम में लेटाएगा, और सर्वथा सर्वत्र के लिए आपका नाश फैलाएगा, नाश करेगा। यही परमात्मा का परम वाणी है, परम आशीष है। इस परम शुभ बेला में इसे ग्रहण करें, अनुग्रहित हो, आज ही धम्म मार्ग में आए, सत्य मार्ग में आ जाए, अन्यथा नाश हो जाए। नाश होने के लिए तैयार रहें और होते रहेंगे। हर जगह खून के आंसू रोना पड़ेगा आपको हमेशा के लिए। जिस तरीके से आपने खून चूसा, आपके आँखों से खून निकलेगा, वही आपको चूसना, खून चूसना, परमात्मा आपका खून चूसेगा, जिसको आपको दिया था कि सत्य कर्म, सत्य वचन, सत्य मार्ग के लिए। लेकिन आपने कली कल्प राक्षस के प्रभाव तो एक उससे भी आगे बढ़ गए, उस कली राक्षस से भी आगे बढ़ गए, और उनसे आगे बढ़कर आप उस परमात्मा के ज्ञानवाणी को, परम संदेश को ना समझे, उससे भी आगे बढ़कर आपने और अधिक शोषण करना चालू कर दिया। अगर कोई शोषण करता है एक राजनीतिक पदाधिकारी, तो एक प्रशासनिक अधिकारी उसका आड़ लेकर उससे 10 गुना और अधिक शोषण करता है। फिर उसके पश्चात तो न्यायिक कर्मचारी, उसके पास जो शोषित व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्तिमाइज जो हुआ है, वो न्यायपालिका के पास जाता है, तो न्यायिक अधिकारी जो न्यायिक बैठा है वहाँ पर पद पे, वह और अधिक शोषण करता है। तो ये पूरे शोषण की प्रवृत्ति आपकी जो बनी है ना, ये कुचक्र, ये अभिमन्यु के जो जाल में फंसाए थे ना आप, अभिमन्यु का एक चक्र बनाकर, एक जो अभिमन्यु को फंसाए थे पदम चक्र में, जिस तरीके से वैसी तरह आप इस जनजाति गरीब व्यथित पीड़ित को, और जो स्थानीय लोग को, आप लोकल रहवासी जिनके भूमि जल जंगल परमेश्वर के इस प्रकृति में अधिकार है, उनका आपने शोषण करा है ना, तो इस कुचक्र से आप भी नहीं निकलने वाले। देखना परमेश्वर कैसा आपको दंड दे रहा है, लगातार दे रहा है और देते रहेगा। उसका दंड चालू हो गया, ईंट से ईंट बजा देगा परमेश्वर, जर्रा से जर्रा हिला देगा। जिस प्रशासन में, जिस पद में, जिस न्यायिक पालिका में आप बैठते हो ना, उसका ईंट से ईंट हिलेगा, कांप जाएगा, पूरा धरती ढहेगी, धसकेगी, विकृत होगी, तपेगी, अगन से, जलन से। ये ओमकार अणाकार का सर्वत्र परम आदेश है, परम वाणी है, इसे त्रुत अभित पालन करो, त्रुत परमेश्वर के चरणों में आ जाओ, अन्यथा नाश को सर्वथा के लिए पा जाओ। यही है, यही संदेश, यही आदेश, यही निर्देश। Shoo, 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 shoo.